एक महात्मा जी थे और उन महात्मा जी के साथ में जो उनके चेला जा रहे थे उनका नाम था ओम। क्या नाम था? ओम। तो संत जी जब आगे को चले हैं तो भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो एक जगह जाकर वृक्ष के नीचे महात्मा जी बैठ गए और बैठ करके आज अपनी पूजा करने लगे। अब चेला जो ओम था वो बिल्कुल पास में बैठा था। ओम ने देखा है कि गुरुजी तो तपस्या कर रहे हैं, हम क्या करें बैठ के, तो पास में ही एक गन्ना को खेत है, तो गन्ना तो जानते हो, गन्ना को खेत है, तो जो ओम थे बे खेत में घुस गए। और जैसे ही खेत में घुसे तो उधर से वो खेत वालों किसान आए, अब गन्ना टोर रहे हो, चटर पटर मची, और जैसे ही चटर पटर मची तो किसान ने देखो कि हमें जलग रही है कि हमारे गन्ना वाले खेत में कोई घुस गया। किसान उधर से चला, बहुत लंबा बांस उठाया और सोचने लगे कि आज या तो गन्ने ही रहेंगे या गन्ना तोड़ने वाला रहेगा। किसान वहां से चले बे तो गन्ना तोड़वे में लगे। अब गन्ना तोड़वे में लगे न किसान को भी ओम दिखाए रहे ना ओम को किसान दिखाए रहे, लेकिन गुरुजी सब देख रहे। अब गुरुजी सब देख रहे तो गुरुजी सोचन लगे कि अब हम तो पूजा कर रहे, अब बोल कैसे सकते हैं, अगर बोलेंगे नहीं तो किसान ये हमारे जो शिष्य है, हमारा जो चेला है, उसकी खोपड़ी फोड़ देगा। तो संत जी बोले, जाप कर रहे थे संत जी, तेजी से बोले ओ। अब ओम तो लगे वे तोड़वे में, अब कह तो भी मंत्र रहे हैं लेकिन ओम को इशारा दे रहे हैं, जो उनका जो शिष्य था उसको इशारा दे रहे हैं ओ। ओम ने देखा गुरुजी बुला रहे हैं, पीछे देखा ओ। ओम ने जैसे ही देखा तो गुरुजी ने कहा नमो, यानी मतलब नीचे लच जाओ, अगर लचोगे नहीं तो पीछे से बांस लगेगा खोपड़ी में। अब बे तो गन्ना के चक्कर में नवे कहां से। अब गुरुजी सोचन लगे कि हमें जलग रही जन समझ ना पाई, तो गुरुजी कहने लगे भगवते भाग जाओ। चेला कान लगे गुरुजी पागल हुए गए, मोए लगे चिल्लाए रहे हैं, भूखे ऊके हुए हैं ताके मारे, भैया काहे कि ओ नबो भगवते अब भागे उना। अब गुरुजी कान लगे हैं कि चेला तो बनाए पागल हो गए, जित कछु बात समझते ही नहीं है। अब गुरुजी बोले हैं ओ नमो भगवते वासुदेवाय, अगर तुम लचोगे नहीं भगोगे नहीं तो बांस लगेगा सर में। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर इस लोक भी होता है उसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। गुरुजी ने सब कुछ कहा, नहीं चेला भागे नहीं लचे नहीं, नहीं तो कहीं गए। और किसान ने जाकर के पीछे से चेला के ऐसो बांस दो तो खून संगी निकलो चलो आओ। सोचन लगे कि आए तो ते गन्ना खाए को, लेकिन गन्ना तो ना खाए पाए, सर जरूर फड़वाए लो। अब गुरुजी के पास भागते भागते पहुंचे, गुरुजी तुमने बताया भी नहीं। गुरुजी कहने लगे हम तो पूजा कर रहे थे, चिल्लाए तो खूब रहे थे, लेकिन तू तो मोटी बुद्धि को है, तूने समझ ही नहीं पाई कछु। तो ध्यान रखना भैया, गुरु के अगर इशारों में चलोगे तो गुरु अच्छी रास्ता बताता है। ध्रुव यही मंत्र का उच्चार कर रहे हैं और बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आज ध्रुव प्यारे भक्तों भगवान का भजन कर रहे हैं। एक महीना हो गया ध्रुव आंखें बंद करके भगवान का भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना जब हुआ है तो ध्रुव खड़े हो गए भगवान का भजन
भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना हुआ ध्रुव ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और चौथा महीना हुआ है ध्रुव ने आज एक पैर पर खड़े हो गए। पांचवा महीना हुआ ध्रुव अब तो भोजन करना भी बंद कर दिए और सातवां महीना जैसे ही लगा आज ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए